अस्सलाम वालेकुम अमरीकी पाकिस्तानियों के रमज़ान में आपका खुश आमदीद। बड़े अरसे से मैंने कोई रमज़ान का व्लॉग नहीं बनाया, तो मैंने सोचा क्यों ना इस मौके का फ़ायदा उठाया जाए, जबकि है एक बड़ी ही ज़बरदस्त किस्म की इफ्तार पार्टी। तो मैंने सोचा क्यों ना आप लोगों को साथ लेके जाया जाए और एक छोटा सा व्लॉग बनाया जाए। तो लेट्स गेट इनटू इट। मेरी बहन के घर इफ्तारी और मैं अब तैयार होने लगी हूँ। आई एम सुपर एक्साइटेड बट आई एम ऑल्सो फीलिंग वेरी लो। आज 22वां रोज़ा है, 21वां 22वां रोज़ा है, मैं बहुत डाउन हो चुकी हूँ। माशाल्लाह सारे रोज़े जा रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह। So yeah, I'm about to go get ready. मैं मेकअप करने के बाद आपसे मिलती हूँ। तो let's do a quick transition. We are all set to go. This is what I'm wearing. I'm gonna show you the full outfit later on because I'm बहुत जल्दी में इस वक्त। Imania, Anaya, Imania is wearing limelight. Anaya is wearing sapphire. And me. Niall is wearing Junaid Jamshed and he's also wearing the Palestine necklace. Oh, bracelet. And watermelon. Watermelon. It's just a watermelon necklace. दादो भी बहुत प्यारी लग रही हैं। टीवी रेडी हो चुकी है, अनाया भी रेडी है और आंटी का सूट है ग्रे एंड पिंक कलर का। आंटी बहुत अच्छी लग रही है माशाल्लाह से। एंड दैट्स वजाहत, एवरीबॉडी रेडी, लेट्स गो। चलो, तो हमारा रास्ता काफ़ी दूर था, जो रेस्टोरेंट है तकरीबन एक घंटा दूर था। मेरे हस्बैंड अपनी डीप कॉन्वर्सेशंस में बिज़ी थे और मैं पीछे बैठकर मज़े से अपनी सेल्फियां ले रही थी क्यों, और मैं खुश थी कि हम लोग टाइम पे पहुंचने वाले हैं और काफ़ी सारे लोग आने वाले थे। तो आई वाज रियली रियली एक्साइटेड। और यहाँ पर मेरे ब्रदर इन लॉ अपने कुछ कलीग के साथ बाहर वेट कर रहे थे और हम लोग टाइम पर आ चुके। रमा जी आप तो बड़ी प्यारी लग रही हैं यार। आदि करे ये कहाँ पीछे हूँ? I wanna see you. मेरी बहन जो है ना इरम्बा जी, शी वॉज जस्ट लुकिंग सो प्रिटी, माशाल्लाह माशाल्लाह। सभी कह रहे थे कि बहुत ही प्यारी लग रही हैं और वो अपने गेस्ट का वेट कर रही थी और मैंने सोचा चलो थोड़ी सी कवरेज कर ली जाए, ज़रा देखा जाए कि खाने में क्या क्या है, क्योंकि अभी थोड़ा सा टाइम था। यहाँ पर रोज़ा तकरीबन 8:05 पर खुलता है। और ये हूँ मैं अपनी बहन के साथ गेस्ट का वेट कर रही थी और मेरे ड्रेस की डिटेल्स आपको मेरे इंस्टाग्राम पर मिलेंगी। Assalamualaikum, how are you? मेरी दोस्त आ गई, मेरी जान की टोटी, आ जाओ। सुनहरा यार, आई लव द जोड़ा मैन, आराम से भाई बाकरा तुम्हें। इट्स नॉट अ फोटो। भाई मेरा प्यारे प्यारे लोगों की मुझे वीडियोज में पीछे चली जाओ बेटा, बहुत बड़े आने। अच्छा मेरे पास हमारे हस्बैंड की उन सब की ना मैंने कल फोटोज खींची थी। हेलो एवरीवन, हाँ ले लो सब सेल्फी लेते हुए। आई लव योर शूज चूजन, दे आर सो प्रिटी, लव दीज। खुद की आज मैंने कैप्चर कर। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम। और है ये मेरी प्यारी सी मॉम जो कि आ चुकी हैं। अस्सलाम वालेकुम नीना, नीना इज लुकिंग शो प्लीटी। अस्सलाम वालेकुम आयशा, आप कैसी हैं नीना, ठीक हो? अच्छा सीन ये है कि ये है अनीला मेरी दोस्त और भी दोस्तें मेरी आने वाली थी। सारे लोग तकरीबन अफ्तारी के पास पास ही पहुंचे थे क्योंकि रेस्टोरेंट में अफ्तारी थी। ये रेस्टोरेंट है बीके खान
और इधर देखें आप कितनी मज़े की वैरायटी है फूड्स की, चाटों की वैरायटी, फ्रूट्स की और फ्राइड आइटम्स और यू नो देसी खाने नूडल्स वगैरह भी हैं और बारबेक्यू आइटम्स भी हैं। तो अगर आप लोगों को अच्छी सी इफ्तारी करनी है तो आई हाईली रिकमेंड वीके खान, क्योंकि इनके जो खाना है इट नॉट ओनली जस्ट लुक्स गुड, इट ऑल्सो टेस्ट डिलिशियस एंड वेरी फ्रेश और बड़ा डिफरेंट सा इनका खाना है, मज़े का खाना है। तो या वी इंजॉयड एवरीथिंग। तो अभी थोड़ा सा इफ्तारी में टाइम था लेकिन इस टाइम पे लोग बस धड़ाधड़ आना शुरू हो गए थे क्योंकि काफ़ी सारे लोगों की इफ्तारी की हुई थी मेरी सिस्टर ने। मेरी सिस्टर और मेरे जो ब्रदर इन लॉ हैं दोनों अपने मेहमानों को ग्रीट कर रहे थे, उनसे मिल रहे थे। रोज़ा बस थोड़ी देर में खुलने वाला था और बड़ी ही क्यारिक सी सिचुएशन थी इस टाइम पर। तो नशरा जो थी वो बिल्कुल टाइम पर पहुंची थी अपने हस्बैंड के साथ। एंड दिस इज शेरोज माय नफ्यू, हैंडसम नफ्यू, और ये सिंगल है, जस्ट लेटिंग यू नो। और ये मेरी मामा अपनी बड़ी बेटी को प्यार करके मुझे जेलस करने की कोशिश कर रही थी, बट शी लव्स मी मोर। आउटफिट नशरा, यू कॉपीड मी, वी कुड हैव मैच्ड यस्टरडे, यू नो, इफ यू वर इनवाइटेड। तलाव सिस्टर, नैरा बस करो। किन की वाइफ है? ओह माय गॉड, इसका वलीमा यहाँ से आपको इसका वलीमा तो ओह माय गॉड, हर डैड बहुत अरसे बाद मैंने बड़ा मज़ा किया, बहुत इन्जॉय किया, क्योंकि बड़े अरसे से हम लोग बहुत सब भी बहुत ज़्यादा डिप्रेस चल रहे थे स्पेशली फ़लस्तीन को लेकर। और अभी भी यकीन माने कोई भी अच्छा मोमेंट हम गुजारते हैं तो बैक ऑफ द माइंड मुसलसल फ़लस्तीन ही होता है। तो ये मत सोचिएगा कि हम उनके बारे में नहीं सोच रहे, हमेशा वो हमारी दुआओं में है। कैसा रहा आपका इवेंट आज का? Did you enjoy the food? ये किसका पर्स है? बाजी, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग अस। बाय बाय आंटी जी, बाय एवरीवन, बाय तालू, बाय मामा, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज आयशा, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। हम बहुत सारे लोग यहीं पे एक ही सिटी में रहते हैं लेकिन फिर भी जाते हुए ऐसे खुदा हाफिज़ करते हैं जैसे कि पता नहीं आउट ऑफ सिटी जाने वाले हों। भाई हमारी अमरीकी पाकिस्तानियों की इफ्तार पार्टियां और गेट टुगेदर्स तो ऐसे ही होते हैं। तो अगर आप मज़ीद देखना चाहते हैं तो मुझे टिकटॉक पर फॉलो करें, इंस्टाग्राम पर और यूट्यूब पर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।